हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीरू। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के रिपोर्ट से, अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट से आप कैसे जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेबी बॉय पल रहा है या फिर बेबी गर्ल पल रही है। तो गाइस, ये मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जिसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी पिक किया हुआ है। तो मेरे पास बहुत अल्ट्रासाउंड से कैसे आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबका मैं एक एक करके रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और ये वाला बहुत ज़्यादा आ रहा था रिक्वेस्ट मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो गाइस, अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट से आप कैसे जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेबी बॉय पल रहा है या फिर बेबी गर्ल। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी प्रेगनेंसी में मेरे अल्ट्रासाउंड में क्या पता चला था, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मेरा प्लेसेंटा कहाँ था, मेरे बेबी का हार्ट बीट क्या था, कितना कितना बढ़ा था, कम हुआ था, सारी चीज़ें आज मैं अल्ट्रासाउंड के बारे में आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब, रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो आज हम बात करने वाले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो देखिए, इसे आप 100% मान के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये मेरे केस में पॉसिबल हुआ है, हो सकता है कि किसी दूसरे के केस में भी पॉसिबल है ये चीज़, लेकिन तीसरे के केस में पॉसिबल हो ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हर एक बेबी का, हर एक बच्चे का सिम्टम अलग अलग होता है। हर एक प्रेगनेंसी में अगर एक माँ एक बार लड़के को पैदा करती है, दूसरी बार भी लड़का ही कंसीव करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो फर्स्ट सिम्टम उसके फर्स्ट बेबी में रहा है, वो सेकंड बेबी में भी उसका सेम सिम्टम रहे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो आप ये 100% मान के नहीं चलते हैं, लेकिन अधिकतर बेबी बॉय के टाइम पे ये सिम्टम देखने को मिलता है। तो हम कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, ये बेबी बॉय में होता है, मान्यता होता है। तो आप 100% बिल्कुल भी मान के मत चलिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेरे अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में क्या था और मेरी प्रेगनेंसी में क्या ये कितना हद तक सही था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटा की। अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में सबसे पहले अगर हम नोटिस करते हैं, अगर हम जानना चाहते हैं कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, तो सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि प्लेसेंटा किधर है। क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होता है कि अगर बेबी गर्ल होती है तो प्लेसेंटा इंटीरियर होता है, अगर बेबी बॉय होता है तो प्लेसेंटा जो होता है पोस्टीरियर होता है। हम लोगों का ऐसा मानना होता है और ऐसा अधिकतर केसेस में सही भी होता है। बेबी गर्ल जो मैंने पहले कंसीव किया था वो मेरा मिसकैरेज हो गया था। अगर आप लोग मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने कि उस टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो आप लोग ना करें, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस मिसकैरेज स्टोरी पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए, तभी मैं ये स्टोरी शेयर करूँ। मेरी फर्स्ट जो बेबी गर्ल थी, जो मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो उस टाइम पे मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था, एंड सेकेंड बेबी बॉय के टाइम पे मेरा पोस्टीरियर था। तो कई लोगों के क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी में बार बार जो अल्ट्रासाउंड होता है, तो जनरली 3 या 4 बार अल्ट्रासाउंड होता है 9 मंथ की। मेरा प्लेसेंटा बेबी बॉय के टाइम शुरू से ही पोस्टीरियर रहा है और प्लेसेंटा में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला, एंड बेबी गर्ल के टाइम मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था। तो
उसमें भी स्टार्टिंग से ही मेरा इंटीरियर रहा था और कोई चेंजिंग बाद में नहीं हुआ था। माना जाता है कि अगर आप बेबी बॉय कंसीव कर रहे हैं तो आपका प्लेसेंटा पोस्टेरियर रहेगा, अगर आप बेबी गर्ल कंसीव कर रहे हैं तो आपका प्लेसेंटा जो है इंटीरियर रहेगा। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत मैच किया था, कह सकते हैं कि 100% मैच किया है मेरे साथ। फीटल हार्ट बीट जो बच्चे का होता है, फीटल हार्ट बीट कितना रहता है उस टाइम पे, क्योंकि सबका मानना होता है कि अगर बेबी बॉय होता है तो 140 से कम होता है आपके रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट होगा, और बेबी गर्ल होती है तो 140 से ज़्यादा होता है। तो ये कहाँ तक सच्चाई है इन बातों में? तो मैं तो बोलूँगी आप इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि फीटल हार्ट बीट बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा एक्टिव है क्या है। फीटल हार्ट बीट से कोई पता नहीं लगा सकता है कि हाँ बच्चा बॉय है या फिर गर्ल है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा जो था स्टार्टिंग में बेबी गर्ल थी, तो उस समय अगर मेरे पास रिपोर्ट होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, उस समय मेरा कितना था 169 से शुरू हो रहा था मेरा, और बेबी बॉय के टाइम पे भी मेरा 164 से शुरू हुआ था मेरा। तो दोनों में आप कोई मैचिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा 165 से शुरू हो के और बढ़ते जा रहा था, जैसे फर्स्ट में 164 एंड सेकंड में 120 ऐसे ऐसे बढ़ रहा था। एंड बेबी बॉय के टाइम पे क्या था कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में 164 एंड सेकंड में 150 एंड थर्ड में 145 से नीचे ऐसा मेरा आया था दोनों में। तो इस डिफरेंस से अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, ऐसे हार्ट बीट से आप कोई पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फीचर्स हार्ट रेट सबका अलग होता है, सारे बच्चों का अलग होता है, बच्चों का सिम्टम अलग होता है, किसी से कहीं कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। और जो ज़्यादा देखने को मिलता है बेबी बॉय के केसेस में, उसी को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। और मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे साथ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मैंने क्या फील किया था अपने बेबी बॉय के टाइम पे, वो सारे सिम्टम मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेगनेंसी में ये 100% श्योर हो जाए, किसी के प्रेगनेंसी में सही भी साबित हो सकता है और किसी की प्रेगनेंसी में ये गलत भी साबित हो सकता है, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबका प्रेगनेंसी, सबका सिम्टम अलग अलग होता है, तो सारे सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये हो गई बात की प्लेसेंटा एंड आपका हार्ट। तो बेबी बॉय और बेबी गर्ल सबके लिए एक ही समान होता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट हाँ, अगर एक लड़की हो जाती है तो सारे लोग सोचते हैं कि एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाता है तो कई लोग सोचते हैं कि एक लड़की हो जाए, इससे क्या फैमिली कंप्लीट हो जाती है? तो हाँ, इस चक्कर में थोड़ा लगता है कि नहीं मुझे बेबी गर्ल हो या फिर बेबी गर्ल नहीं, बहुत लंबा होता है, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा लंबा समझ आता था, मुझे जानने का मन करता है कि हाँ मेरे गर्भ में बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, बहुत ज़्यादा जानने का मन करता है। लेकिन क्या है कि इंडिया में बैन है, ये सब चीज़ें आप नहीं मालूम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि 9 मंथ हम एक अपने अंदर एक जान पाल रहे हैं, तो लगता तो है कि वो बच्चा क्या है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा पेशेंस रखिए, 9 मंथ बाद पता ही चल जाएगा कि क्या है नहीं है। लेकिन जो मैं सिम्टम बता रही हूँ वो अधिकतर केसेस में सही होता है, 1-2% केस में ये गलत साबित होता है, लेकिन अधिकतर केसेस में ये बिल्कुल सही होता है। तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को थम्सअप देना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे शेयर कर सकते हैं, एंड कमेंट कीजिए बहुत सारा, लाइक कीजिए भर भर के, एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं और आपके साथ बने हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।